आपको इससे पहले क्लास में पढ़ाए थे तत्व वगैरह के बारे में, पीडीएफ अभी नहीं मंडे को आप लोग को मिलेगा। अभी क्या बोले हैं? पीडीएफ देंगे, डिसिप्लिन खराब हुआ तो कह देंगे बुक खरीद लो। क्या जी? अरे अजी है कि सवेरे सवेरे दिमाग खराब, उसमें मटेरियल में करेक्शन के लिए नहीं होता है कि कहीं मात्रा उतरा गलती है तो, या तेरे को बैठाएं कि देखो इसमें मात्रा उतरा कहीं गलती तो नहीं है, तो टाइपिंग मिस्टेक तो होता ही रहता है। वो अपने को विद्वान बन रहा था, कहा कि सर इसमें कुछ सुधार कर देते हैं। हम क्या चीज तो लिख रहा है? धातु। हम बता दिए धातु को चालक करा, ये पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर पाया जाता है, अच्छा रहेगा। हम कह रहे थे चट्टा कहीं का, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो कौन सी पढ़ाएंगे रे? ये सबसे बड़ी खराबी पटना में, यहाँ टीचर मतलब ना स्टूडेंट की समस्या से ज्यादा अपनी विद्वता दिखाने में लगा हुआ है, यही खराब करके रखता है। पटना में छोटा से छोटा रिजल्ट लेने में 4 साल लगता है। इसके लिए जानते हैं कौन जिम्मेदार है? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। हम कितना जान, हमारा नोट्स कितना मोटा होना चाहिए, भूजा फाकेंगे बैठ के नोट्स वहां पे। अब खुद से सोच के देखो, जब पीरियोडिक टेबल में बाएं दाएं चुट्टा, हम पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ाएंगे? आप इतने जैसे आप अन्य सब्जेक्ट पढ़े भी होंगे, जैसे पॉलिटी पढ़े होंगे, बायोलॉजी, आप देखते होंगे स्ट्रिक्टली हम बोल देते हैं ये यहां नहीं तो नहीं, जहां जाते हैं वहां एकदम पूरा डिटेल से पढ़ा देते हैं। पीरियोडिक पूरा धातु पढ़ के जाओ ना, बाद में पीरियोडिक टेबल देख लेंगे, दाहिने बाएं कौन सा बड़ा चीज है ना, हम विद्वान कैसे कहलाएंगे? अच्छा, यहाँ के लड़के भी वैसे ही हैं, वही लड़के भी उसी टाइप के हैं, तो उनका भी कहना है कि सर देखने ही चलना रहता है यहाँ पे, उसको सॉलिड चीज बताइएगा तो नहीं 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 इतना चाहिए उसको मोटा, पढ़ो यहाँ लो। सबसे देर से रिजल्ट देने वाले शहरों में से है ये, स्मार्ट वर्क की बहुत कमी है यहाँ पे। अब सोचिएगा स्किल्ड आदमी मिल जाए, नहीं। अच्छा अच्छा, एक से एक नमूना मिलेगा सर, जैसे हम आपको बताएं यौगिक H2O यौगिक हो गया कि नहीं, कहा कि सर इसमें एक और सुधार की जरूरत है। कौन जी कर, इसमें 2 परमाणु है, इसकी परमाणुकता, इसका भार और भार। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो एटॉमिक चैप्टर में क्या चीज? शांति से, तुम इसमें मात्रा सुधार, तुम उस लायक नहीं है। कहा कि हम फला फला कोचिंग में काम किए, हमको इसीलिए कोचिंग डुबा है। मात्रा सुधार निकल यहां से। तो दिमाग लगाता है होता है ना, तो हर चीज। अब मात्रा उतरा सुधारने के लिए हम लोग थोड़े बैठे रहेंगे, लिख दिया अभी मात्रा उतरा सुधारने के लिए सुधारेगा, दिमाग दे रहा है सब बड़का बड़का कोचिंग में। कोचिंग में क्या है आजकल, तो सब डूब गया। चलिए देखते हैं, हम लोग पदार्थ बता दिए थे, पदार्थ को ये मैटर कहते हैं, इसी को हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। ठोस, द्रव, गैस अवस्था में भी रह सकता है, कई अवस्था में रह सकते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर तो कुछ भी डाल सकते हैं। भौतिक अवस्था बच्चों की चीज है, भौतिक यानी देख छू के फील कर सकते हैं, उसे भौतिक अवस्था कहते हैं। क्या कहेंगे? भौतिक अवस्था। ये कितने टाइप के होंगे? 4, ठोस, द्रव, गैस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं मिलेगा, अभी इस पर रिसर्च फेज में है। दूसरा, ये बहुत आगे की चीज है, आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा। देखिए इसमें ना कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, सीबीएसई वाले खास करके। द्रव मतलब होता है लिक्विड, और द्रव्य मतलब होता है मैटर, ये दोनों अलग अलग चीज है। द्रव्य मतलब मैटर, दुनिया का हर चीज क्या है? मैटर है यहाँ पर। अब याद कि ये मेनली ये तीनों चीज पे ही आपको अध्ययन करना होता है। प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर की चीज हो जाती है, यहाँ पे ज्वालामुखी से प्लाज्मा निकलता है, सूर्य में प्लाज्मा निकलता है, धधकता हुआ मैग्मा में क्या है? प्लाज्मा। गला हुआ लोहा क्या है? प्लाज्मा। हम लोग ज्यादातर यही तीन चीज का क्या करते हैं? यूज करते हैं, यही ना, सॉलिड लिक्विड गैस का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा गति किसमें होती है? गैस में। सबसे कम गति ठोस में होती है, सबसे कम गति ठोस में होती है। तो ठोस, ठोस, द्रव तथा गैस, इसमें सबसे कम गति किसमें है? ठोस में। अब देखिए जल एक ऐसा चीज है ना जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, वो गैस भी हो सकता है भाप बन के, गैस भी हो सकता, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं?
त्रक बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है वहां वो तीनों अवस्था में देखा जाएगा। जब जल को 0 डिग्री के आसपास ले जाइएगा ना तो उसमें कुछ ठोस बर्फ बन जाएंगे, कुछ पानी बना रहेगा और कुछ ठंडा होकर भाप की तरह, देखिए ठंडा चीज से भी भाप निकलते रहता है ना, तो 0 डिग्री के आसपास जब पानी को ले जाएंगे ना, एकदम 0 से नीचे मत लेकर चलिएगा, मतलब टोटल क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। 0 डिग्री के पास वो बर्फ बनना चालू होता है, 0 डिग्री के पास क्या बनना चालू होता है, बर्फ। तो 0 डिग्री के आसपास में ना उसका कुछ हिस्सा बर्फ बन चुका है जो सॉलिड रूप ले लिया है, कुछ हिस्सा अभी पानी ही है जो लिक्विड रूप में है, और ठंडा होने के कारण उसमें से भाप एवापोरेशन होते रहता है। तीनों चीजें देखी जाती है, इसे त्रक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रक बिंदु। त्रक बिंदु में कौन पाया जाता है? जल। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये तो पढ़ा दिए थे हम आपको, अब देखते हैं रासायनिक अवस्था, रासायनिक आधार पर। किस आधार पर? रासायनिक आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर हम तत्व को कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग। एक क्या था? तत्व। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट, एलिमेंट। एलिमेंट कितने परमाणुओं से बना होता है? 1 परमाणु। और दूसरा क्या था बाबू? यौगिक। क्या था? यौगिक। यौगिक का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? यौगिक को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद मिश्रण। क्या था? मिश्रण। मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर। क्या था? मिक्सचर। आगे बढ़े, देखिए आपको तत्व तो भी बता दिए थे जो एक ही परमाणु से बना होता है। ये 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या हो सकता है? धातु, इसी को हम चालक कहते हैं। अधातु, अधातु को कुचालक, कुचालक और अर्धचालक, उपधातु, उपधातु अंग्रेजी में अर्धचालक। क्या कहेंगे? अर्धचालक, अर्धचालक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अर्धचालक। देखिए अर्धचालक में करंट बहुत ही कम जाता है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। सिलिकॉन अर्धचालक। अधातु यानी कुचालक, अधातु मतलब कुचालक। देखिए ये है उसकी ना, ये उसका ओरिजिनल नाम है, धातु ही मेटल ही कहा जाता है उसको, लेकिन ये जो नाम दिया गया है ये करंट के विहाप पे दिया गया है। अगर करंट जा रहा है तो चालक, इसी को सुचालक कहता है सर। नहीं जा रहा है तो कुचालक, इसी को अचालक कहता है सर। तड़ा तड़ा जा रहा है तो चालक, मतलब करंट को ले जाने वाला, कंडक्टर। तार जो होता है ना, वायर, वायर को हम लोग कंडक्टर भी कहते हैं, चालक भी कहते हैं। जैसे न्यूमेरिकल जब इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ेंगे तो तार नहीं बोलेगा, लिखेगा एक चालक में धारा जा रही है। चालक यानी कंडक्टर मतलब क्या होता है? हाँ, तार वगैरह को चालक कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, यौगिक में आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? कितने टाइप के यौगिक मिलेंगे? 2। अगर कार्बन है तो कार्बनिक, कार्बन है तो कार्बन, जैसे CH4, अरे कुछ ले आ दीजिए कि बस उसमें कार्बन रह जाए, और दूसरा अकार्बन, अकार्बन क्या होता है? H2O, अकार्बनिक H2O। ये तो बता दिए थे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, कार्बन है तो ऑर्गेनिक, नहीं है तो इनर। दुनिया में सबसे ज्यादा चीज कार्बनिक पाए जाते हैं, कार्बनिक चीज दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जलाने पे काला धुआं देते हैं सभी से। कुछ और चीज जलाइए, अपने को जला लीजिए, देखिए काला धुआं ना छोड़ेंगे तो कहिएगा क्या है? कार्बनिक है। समझ में आ गया कि तुम तो पूरे काला धुआं छोड़ेगा नहीं देगा हाँ, प्रदूषण भी होता है। हाँ, तुम बहु का कहीं करेगी सब, प्रदूषण भी होगा। कार्बनिक, अकार्बनिक समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कह रहा है C2H4 क्या है? C आ गया ना, कार्बनिक क्या होता है? कार्बनिक हो गया। यहाँ पे SO2 अकार्बनिक, बस इसमें कार्बनिक अकार्बनिक में बहुत बड़ा झमेला नहीं, आपको नॉर्मल रख लेना। यहाँ पे हम यहां तक तो पढ़ा दिए थे, आज मिश्रण बता के उसके बाद परमाणु संरचना देखना है। मतलब ओवरऑल आपको देखना है यही सब चीजों को और डिटेल से देखना है। ये दो तो सबसे ज्यादा टाइम खा जाते हैं सब। उसके बाद परमाणु संरचना हम देखते हैं। देखो इस गधे का नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट का फॉर्मूला बताओ? CO। कोबाल्ट एक तत्व है, कोबाल्ट अकेले होता है, तत्व है। समझ में गया? ये खाली सी देख लिया यहाँ पे, इसमें भी सी है। अरे गधा कहीं का, तो उस तरह से कॉपर में भी तो तुम देखे गए कार्बनिक है, कैपिटल सी नहीं रहना चाहिए, ये उसके सतहे आ रहा है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तुम इतना इसका कहना है कि ये होना चाहिए, तो कार्बन और यूरेनियम हो जाएगा, और ये हो गया कॉपर।
समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो कोबाल्ट को ये कह रहा है कि कार्बनिक होगा कि कोबाल्ट क्या है? तत्व तो है। कोबाल्ट क्या है? तत्व। अकेले रहेगा तो तत्व। उस हिसाब से लोहा को भी दूगो सोच रहा होगा, दूगो सोच रहा था। हाँ, लोहा क्या है? तत्व तो है। जो अकेले आया तत्व तो। अकेले आया तत्व तो। आगे बढ़े। अब हम लोग को देखना है मिश्रण। देखिए, अगर कोई चीज अकेले है तो इसका कोई काम है जी? ये तो कोई वो जान जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस, भगा देते हैं उसको, भाग उधर, वो बच्चों का चीज था, नहीं समझे? याद देखिए, तब तो पहचान लेंगे। अकेले आया, अकेले कोई भी चीज रहेगा तो क्या रहेगा? तब तो रहेगा। और अगर उसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला यौगिक, अब फॉर्मूला नहीं है तो मिश्रण, बिना फॉर्मूला है तो मिश्रण रहता है। मिश्रण में जैसे दूध, सीमेंट, कोई भी चीज मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रण। जिसका आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं वो क्या हो गया? मिश्रण। जैसे लोहे का फॉर्मूला आपको पता है Fe, ये तत्व है, लोहा क्या है? तत्व है। Fe2O3 यौगिक हो गया। अब एक काम करें, स्टील ले, लोहा और कार्बन को जब मिला देते हैं तो स्टील बनता है। अब उसमें लोहा कितना, कार्बन कितना, कोई फिक्स नहीं रहता है। अलग अलग टाइप की स्टील में अलग अलग मात्रा में रहती है। कार्बन ज्यादा मिलाएंगे तो स्टील मजबूत हो जाएगा लेकिन करिया हो जाएगा। कार्बन कम मिलाएंगे तो स्टील कमजोर रहेगा लेकिन उज्जर रहेगा। तो थरिया उरिया में ना कार्बन क्या मिलाता है? कम। कार्बन कम मिलाता है। और थरिया से मजबूती का क्या मतलब है? 1 किलो खाना लेना है उसमें, 1 किलो तो खा ही लेता होगा आदमी। 1 किलो ना खाए तब कौन चीज? मतलब अमूमन आदमी 1 किलो जब खाना खाने बैठता है तो 1 किलो खाता है। अरे 250 ग्राम तो तुम पानी ये पी लेता है, नहीं कह लिया? 100 ग्राम के आसपास दाल ले गया, 100-200 ग्राम सब्जी उब्जी ले गया, 1 किलो खाता। हम तजुर्बा है तब बता रहे हैं तुमको। इधर आजकल हम तौल तौल खा रहे हैं, पहले 1.5 किलो निपटा देते थे हम, तो आजकल अभी पानी उनी सब तौल देते हैं। समझा गया कि नहीं? पानी उनी सब तौल के हम बता रहे हैं। एक बार में आदमी खाता है तब, खाने से पहले वजन करो और खाने के बाद। समझ में आ गया, 1 किलो खा गया, नहीं पता चलता आदमी का। आगे बढ़े। मिश्रण जो होता है वो क्या होता है बहू? कई चीजों का मिलावट। सर हम 100 ग्राम खाते हैं, लड़की होगी मैगी खा लेगी इतनी सा, अब भाई फट फट बेहोश होगी। ऐसे ऐसे खाना कम खाइएगा तो उसी हिसाब से शरीर कम काम करेगा। और शरीर का ही हिस्सा होता है दिमाग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरीर ना काम करे दिमाग वह काम करे। शरीर अगर ठीक है तो दिमाग भी ठीक है। अब ही सबको समझ में आएगी मैगी मैगी से काम ना चलने वाला है। अब दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? देखो अब दिमाग खुला है सबका। मैगी होगी में कौन चीज? एक बार मैगी बनाने हम ऐसे चेक करते हैं कहाँ जाएगा, यहाँ पे इतने ना होता है, कहाँ जाएगा वो? तो ऐसो फेगस में रह जाए। कोई कोई तो अपने दिमाग के बराबर ही खाती है, तब तो इतने से खाना होगा जी। चलिए अब ध्यान देते हैं मिश्रण को। मिश्रण किसी अन्य चीजों को मिला दीजिए क्या हो जाता है? मिश्रण। खून क्या है? मिश्रण। नाली का पानी मिश्रण। हवा मिश्रण। धुआं मिश्रण। ग्रीस मिश्रण। दूध मिश्रण। पानी यौगिक। पानी क्या है? यौगिक। अशुद्ध जल मिश्रण। अशुद्ध जल भारी जल फॉर्मूला होता है D2O। जिसका फॉर्मूला हो गया यौगिक। अकेले आया बिना फॉर्मूला के मिश्रण। बिना फॉर्मूला मिश्रण मिश्रण होता है। मिश्रण दो टाइप के होते हैं। मिश्रण दो टाइप से, एक होता है विषमांग। क्या होता है? विषमांग। विषमांग हेट्रोजिनस। विषमांग या हेट्रोजिनस समझिए इसको ध्यान से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब आगे परमाणु संरचना पढ़ाने वाले हैं। विषमांग मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें जिस जिस चीजों को आप मिलाए हैं वो दिखता है कि मिलाए हैं किस किस चीज को। जैसे आपको जाएंगे
तो आजकल ना ये जो नया नया ये आया है सब, एक नया मॉडल निकाला है सब सीबीएसई वाला, फ्रूट सलाद, फ्रूट चाट। अरे चार को केला काट दे रहा है, सेब काट दे रहा है, दो को अनार छिड़क दे रहा है, आएगो कोचनी के लिए इधर दे दे रहा है यहाँ पे उसको, अगर आप फ्रूट चाट हमारा कहा सर कि फ्रूट चाट हमके ले आओ देखते हैं कैसे ले आया, तो हम कहे कि यार आठ के कहे बोलता है सभी चीज को, बोलो ना कि मिक्स फ्रूट ला रहे हैं आप, फ्रूट चाट दिखाता है सर क्या एडवांस फ्रूट चाट। तो जो फ्रूट चाट है उसमें आपको दिखता है कि ये केला है, अंगूर आम जो भी उसमें लगाता रहता है उसको काट कूट के देते रहता है, वो कौन सा मिश्रण है विषम, उसको कितना फेंट दीजिए कितना कर दीजिए वो दिखेगा ही दिखेगा, क्या होगा दिख जाता है वो कैसा है विषम। जब चीजें दिख जाए क्या क्या मिलाया गया है तो विषम, यानी विषमांग मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसके अवयव यानी जो चीज मिलाया गया है अवयव अच्छे से न मिले हो और वो दिखाई पड़ जाते हैं, क्या गलत है विषमांग, समझ में आ गया कि नहीं। जैसे आप लोग खाना बनाने से पहले मसाला निकालते होंगे लोग, इसे चार गो पांच गो दस गो मसाला निकालते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो सब दिखता है कि लौंग है इलायची है ये जायफर है, तो जो भी मिलाया जाता है वो क्या है विषमांग दिखता है, वो क्या चीज है विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। आप भुजा खाते हैं ना भुजा मुढ़ी, उसमें दिखता है कि नमकीन ये मूंगफली का दाना है, पहले ही निकाल के खत्म कर देता आदमी, बाद में उसको निपटाते रहेगा आदमी, मूंगफली का दाना गायब वहां पे, सब पहले ही गायब कर देता है। अब मुढ़ी वगैरह खाते हैं इसे, वो क्या है विषमांग, आप मिला रहते हैं लेकिन अच्छे से नहीं मिला दिख जाता है वो क्या है विषमांग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फ्रूट चला क्या था चाट, फ्रूट चाट क्या है विषमांग, उसमें केला सेब अंगूर संतरा अमरूद सब दिख रहा होता है, कितना मिला लीजिए फेंट लीजिए वो क्या है विषमांग, क्या है विषमांग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें आपको अब ऐसा कांड कीजिए ना कि दिखवे ना करे कौन केला है, तो उसको मिक्सर में ले जाके मिक्सर में दाब दीजिए उसको, मारेगा गड़गड़ा देगा उसमें सब सेब संतरा केला सब एक फेंट देगा और उसको बना देगा जूस, अब हो गया का पहचान, तो इसमें कौन चाहिए अब पहचान में आएगा, अब पहचान में नहीं आएगा, तो क्या हो गया समान, क्या हो गया समान। जब सारा अंग समान रूप से मिल जाए तो उसे कहते हैं समांग होमोजीनस, समांग या होमोजीनस, समांग या होमोजीनस। जो मसाला आप निकाले थे थरिया में उसको छोटकी मिक्सी बोलते हैं उसको, हाँ मिक्सर तो पुरुष होता है इतना बड़ा होता है, मिक्सी स्त्रीलिंग है इतनी चुकी होता है वहां पे, ये दू गो बड़का प्याज दे देंगे तो काम ही नहीं करेगा वो छोटका। तो मसाला जो बाहर निकाल के रखे रहते हैं वो क्या है विषमांग, और जो मसाला को उसमें डाल के पीस देते हैं गड़गड़ा के क्या हो जाता है समांग हो जाता है। तो समांग बनाना एकदम सिंपल है, जानते हैं क्या कीजिए, पीस पास के जलीय विलियन बना दीजिए, जलीय विलियन बना दे, जैसे विलियन बनाएंगे क्या हो जाएगा समांग, क्या हो जाएगा समांग हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जैसे चीनी ले लीजिए और नमक ले लीजिए आपस में कितना फेटी है विषमांग रहेगा दिख जाएगा, बड़का दाना चीनी का छोटका दाना नमक का, समझ में आ गया। अब ससुराल क्या बनाना है समांग, ले जाइए किसमें पानी में, पानी एक ऐसा चीज है जो विषमांग को क्या बना देता है समांग। जैसे सीमेंट और बालू मिलाइए कितनों कुदारी से फेंटते रहिए सूखल सूखल, आपको लग जाएगा कि उधर यह सीमेंट ज्यादा इधर बालू ज्यादा कम है, लेकिन उसको पूरा बढ़िया से एकदम कियारी बना देता है, सब देखेंगे ऐसे कियारी टाइप का बना देगा, अब तो आप उसमें क्या करेगा पानी डाल देता है यहाँ पे, यहाँ पे पूरा पानी उन्हें डाल के और उसके बाद साइड साइड से इसे मिलाना चालू करता है, और जब खूब बढ़िया से मसाला बना देगा तो जलीय विलियन बन गया, तो क्या हो गया समांग। अब बालू सीमेंट सब समान रूप से क्या हो गए हैं मिल गए हैं, तो समांग मिश्रण बनाना बड़ा इजी है, समांग मिश्रण बनाना बहुत इजी। जैसे आप लड़का लड़की हैं लोग कितनों सीट चेंज करके एक जगह कैसे कैसे बैठा दें, आप लोग क्या है विषमांग, क्या है विषमांग है, दिख जाएगा बकलोलवा यहाँ है बकलोलिया यहाँ है। अब अगर आप लोग को समांग मिश्रण बनाना है तो बड़का साइज का मिक्सर लाना पड़े, बहुत बड़ा, कितने लोग तैयार हैं समांग मिश्रण के लिए जो तैयार है इसका मतलब नहीं समझा है कि उसके साथ क्या होने वाला है,
जूस बनेगा वो समझ में आ गया कि नहीं। मिक्सर ले आके उसको क्या करना पड़ेगा, जूस बनाना, तब पता ही नहीं चलेगा किसका जूस है, समझ में आ गया कि नहीं। देखो ये कह रहा है कि सर जूस बनाने की जरूरत क्या, लड़की के बाल काट के इसे कर दीजिए सब पता चल जाएगा, समय बताओ इस सबको, खाली बाल काटने से होगा जी, बाल काटने। देखो ऐसा ऐसा को ना यंग एज में ही मोतियाबीन हो जाता है, आप लोग को सामान विसमान अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जलीय विलियन समान, बिहार में जो लड़के खाना या लॉज में खाना बनाते हैं सब ना, वो पहले से एगो मिठाई का डिब्बा रख ले रहता है सब, बिस्कुट चॉकलेट का, और खाली डिब्बा रहता है और उसमें एगो ये गोल ढक्कन लगल रहता है, और उसमें वो 1 किलो अरहर दाल और 1 किलो मसूर दाल को फेंट के रख ले रहता है, मिक्स करके रख ले रहता है, ललका और पियर का वो दिखते रहता है, वो कैसा मिश्रण है बीसम, लेकिन जब उसको निकाल के 2 सीटी लगा देता है हाँ, तो क्या हो जाता है समाग, बनने से पहले बीसम, बनने के बाद समाग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो समांग मिश्रण में पूरे अवयव क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और समांग मिश्रण की खासियत क्या है, देखिए अगर आप विसमांग मिश्रण लिए जैसे अरहर दाल और मसूर दाल, आप एक मुट्ठी निकाले, 1 किलो लिए अरहर दाल और 1 किलो लिए मसूर दाल, यानी रेशियो 1:1 का है, आप एक मुट्ठी निकाले इसमें से रेंडमली, अभी विसमांग है तो आपको कितना जितना अरहर दाल होना चाहिए उतनी ही संख्या में मसूर होना चाहिए, लेकिन ये कभी बराबर नहीं होगा, कभी नहीं, 1-2 दाना आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए बराबर मिला ही नहीं, जबकि आपने ओरिजिनली दोनों को 1:1 के रेशियो मिला है, लेकिन मिलेगा नहीं। अब उसको क्या कीजिए, पीस दीजिए, पीस रही है यार, पीस बेसन बनाएगी पबनी, उसमें कुकर में 2-4 सीटी दीजिए, समझ में आ गया कि दाल कितना सीटी में बनता है, 4 सीटी। कुकर कुकर पे भी डिपेंड करता है, मेरा कुकर पागल है, वह खाना बनने के बाद तक में सीटी नहीं देता है, और अगर सीटी दे दिया तो खाना खत्म, अंदर कुछ नहीं बचा है, बड़का कुकर है एकदम बड़ा, और हम उसमें बनाते हैं, एक बार अपने भर का बनाए गायब कर दिया सब, हम खोज रहे हैं कहाँ गया रे, यहाँ सट गया था, उसको घींच घींच निकालना पड़ा इसे यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, वी समा, और जब दाल बना देंगे तो समा, दाल बन गया तो समा। अब उस दाल में कटोरी में दाल लीजिए, इसे पीछे वाले बकलोल सरकारी स्कूल नहीं है कि हम कह रहे हैं कि दाल ले लीजिए तो आप पिछवा से बोलिएगा ले लीजिए, सरकारी मास्टर की तरह हम चुपचाप करेंगे, ठीक है, ये सरकारी स्कूल नहीं है, यहाँ पढ़ने से एक अपना मेंटल लेवल लेके चलना ना, इन्हें कि भाई छोड़े चल दिए क्लास, हम कह रहे हैं कि दाल का कटोरी हाँ सर ले लिए, समझ में ना। और ये सब लक्षण के बाद आप सोचते हैं कि हमको रोजगार क्यों नहीं मिलता, कोई कंपनी किसको देगी नौकरी, होनहार लोगों की कमी तो है नहीं यहाँ पे। अब ये सब जो चीजें हैं ना, ये घर वालों को सिखा के भेजना चाहिए, घर वालों को भी कोई मतलब नहीं है, लड़का खा रहा है तो जब ये नहीं सिखा रहा है कि आवाज नहीं करना चाहिए, चल रहा है कि तो चप्पल घसीट रहा है, यार तुम इतना छोटे छोटे चीज नहीं सिखाए और उम्मीद रखते हो कि तुम्हारा लड़का बहुत बड़का काबिल होके आएगा, ये छोटी सी छोटी चीज पे ध्यान नहीं दे के भेजे, स्टार्टिंग होती है शिक्षा की घर से, छोटे से छोटी चीज को, ऐसा ना आएगा सब घर, कोई कोई को देखेगा चप्पल घसीटते जाएगा सब, जबकि किसी भी ठीक ठाक इंसान को दिखेगा आराम से एक तरीके में चलता है वहां पर, उसके बाद सोचेगा सर कि ना सरकार इनको घरे बैठ के दे, बहू डीएम की नौकरी पसंद है आपको ले लीजिए। ये सब चीजें बहुत बड़ी नहीं है, बट ये दिखाती है कि आप लापरवाह हैं, छोटी सी छोटी चीज को ध्यान नहीं देते। तो अगर इसमें दाल बना दिए इसको, अब इसमें 1 चम्मच दाल आप यहां से निकालिए या 1 चम्मच दाल यहां से निकालिए, आप कहीं से भी अगर निकालते हैं तो टेस्ट आपको सेम रहेगा, टेस्ट क्या रहेगा सेम रहे, टेस्ट सेम आए इसलिए दलघोटनी से और धके मिला देते हैं कि कहीं इन्ने उन्ने हुआ रहेगा तो क्या हो जाए बराबर हो जाए। इसलिए देखिएगा अक्सर लोग को खाना वाना देना रहता है, दाल वाल तनी देर का हो गया तो दोबारा हिला देता है लोग, अब महिला लोग को मम्मी को तो ज्यादा इस सब का एक्सपीरियंस है, हम लोग हिलाई के चक्कर में छलका देंगे वहां पे, आराम से इसे हिला के दे देंगे ले यहाँ पे, मम्मी को लगता है कि खाना एक के बार दे दो, चावल दे देंगे वहीं पे, दाल रख देंगे, सब्जी रख देंगे, बैठ के खाओ, कहाँ खा रहा है तुम, सब खाना चाहिए, फायदा करता है इसे भी हम, अरे धुरी का फायदा करता है कौन जी, बड़ हो गया आदमी, हमारे फायदे नहीं पता यहाँ पे। तो समांग और विसमांग समझ में आ गया,
इसमें सारे अंग क्या हैं, बराबर मिल चुके हैं, सारे अंग बराबर मिल चुके हैं। तो मिश्रण के दोनों कैटेगरी समझ में आ गया। अगर हम किसी को लिक्विड बना दे तो क्या हो जाता है, क्या बन जाता है? अक्सर आप देखे होंगे सब्जी उब्जी बना दिए हैं तो सब्जी क्या हो गया है, समांग, समांग भी हो गया, उसका मसाला उसका समांग हो गया है। आलू प्याज बराबर बाहर दिख रहा है वो नहीं है, लेकिन मसाला क्या है, समांग। कभी कभी आदमी नमक ज्यादा डाल देता है, ले होगी आप निकलेगा कैसे, लेकिन पानी डाल देंगे तो पन छुछुर हो जाएगा। पानी डालने कौन फायदा, पनिया खोल के बस उड़ेगा, नमकवा नहीं उड़ेगा, नींबू तो खट्टा हो जाएगा। अरे सीधी सी बात, वो क्या है, समांग है, क्या है, समांग है। समांग है तो हर अंग में भी नमक घुला होगा, नमक घुला होगा कि नहीं होगा। और नमक बारीक होता है तो आटा का छोट छोट दो चार को लोई डाल दो, एक दो को छोटा छोटा डाल दो, उसमें थोड़ा देर तक रखो, समांग मिश्रण है वो खींच लेगा, क्या करेगा, खींचेगा। खींचने के दौरान आलू प्याज तो नहीं खींच पाएगा, लिक्विड खींचेगा, और लिक्विड में नमक प्रॉपरली घुला हुआ है, निपटा देगा 10-20% ऐसे निपटा दिया वहां पे, समझ में आ गया कि नहीं गया। दिक्कत कब होता है ना, जब सोच रहा खनवा में कोनो नमक डाल दिया है और फिर ओकर भोर पड़ गया कि डाले है कि नहीं, और दोबारा फिर मच देता है, इस जगह पूरा जोर कर देता है। आगे पीछे रहता है तो आदमी को चलबो करता है, इसे जो दोहरा देते हैं सब, तो ये खतरनाक हो जाता है। और सबसे बड़ा दिक्कत जब शादी ब्याह में दोहरा देते सब, तो आगे बढ़ जाए। तो आपको समांग और भी समांग समझ में आ गया, तो ओवरऑल आपको पदार्थ की पदार्थ समझ में आ गया आप लोगों की। पदार्थ में आपको मेनली पढ़ना क्या है, पदार्थ में ये सारी चीजों को पढ़ना। अब हम लोग चलते हैं कि पदार्थ बना किस चीज का होता है, तत्व के बारे में। तत्व किससे बना होता है, अरे इसको हटा देना, ये तो बच्चों की चीज है, हम लोग को यहां से चालू करना है तत्व से। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना है, तो परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु क्या है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है, परमाणु। जैसे इतना बड़ा लोहा लिए, तोड़ते गए एकदम छोटा तोड़ दिए, अब उस को माइक्रोस्कोप से जूम करके फिर तोड़िए, एक ऐसा समय आएगा कि उसके बाद कहेगा अब ना टूट, तो वही क्या हो जाएगा, परमाणु। क्या हो जाएगा, परमाणु। परमाणु का सिद्धांत बहुत लोगों ने दिया था, जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, और उससे पहले भारत के ऋषि कनाड ने दे दिया था, भारत के ऋषि ने क्या दे दिया, कनाड ने। लेकिन भारत के लोगों ने उसको ना मतलब उतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किए थे लोग वहाँ पे, तो उन्होंने थोड़ा सा हम लोग क्या हो गए, पीछे रह गए लोग। दूसरा हम लोग गुलामी इतना रह गए लोग कि अपनी बात को कौन जी, खाए पिए पे आफत आ गया, ये परमाणु सिद्धांत कहाँ चल जाएगा यहाँ पे। तो परमाणु जो है वो जॉन डाल्टन ने सिद्धांत दिया था सबसे पहले परमाणु का, उन्होंने कहा था कि परमाणु सबसे छोटा भाग है किसी भी तत्व का, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसमें दूसरा कोई तत्व परमाणु नहीं मिला होता है, तो परमाणु सबसे छोटा भाग है। अब इस परमाणु के अध्ययन करने की बात आई, तो परमाणु इतना छोटा होता है कि आप उसे देख नहीं सकते हैं। आप उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करना, माइक्रोस्कोप का, किसका प्रयोग करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक है, कौन है, रदरफोर्ड, उन्होंने एक परमाणु लिया। देखिए हम इतना बड़ा बना देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, इतना बड़ा परमाणु होता ही नहीं, दिखबे नहीं करेगा, हमारे एक चुटकी में 10,000 परमाणु आ जाएंगे सब, जबकि कोई जगह नहीं है यहाँ पे, और उसमें 10,000 से ज्यादा क्या आ जाएंगे सर, परमाणु आ जाएंगे सर। तो माइक्रोस्कोपिक दुनिया अलग होती है, अगर आप दही को देख लेंगे ना माइक्रोस्कोप से, खा नहीं पाइएगा यहाँ पे, कितिर की जो केचुआ की तरह चलता है सब उसमें, यहाँ पे खा नहीं पाइएगा, वहाँ पे इतना ज्यादा संख्या में होते हैं सब यहाँ पे। तो ये हो गया आपका परमाणु, हम इतना बड़ा परमाणु होता है क्या, नहीं, परमाणु इतना बड़ा तो होता नहीं, हम तो समझाने के लिए लिए हैं। उन्होंने क्या किया, अब इस परमाणु के ऊपर उन्होंने सोचा इसको तोड़े तो टूटबे नहीं करे यहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई पावरफुल प्रकाश डाला जाए जिसको देखा जाए कि प्रकाश इससे जाता है कि नहीं। तो उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया, गामा रे लिए तो परमाणु उधिया गया, गामा बहुत थे भेदन क्षमता होती, छेद के निकल गया, अब पूरा का पूरा उनका प्रयोग ध्वस्त हो गया। तो रदरफोर्ड ने किसका प्रयोग किया था, अल्फा, किसका, किसका प्रयोग किया, अल्फा। जब उन्होंने अल्फा किरण को लिया तो लगभग 20,000 अल्फा किरणों को इसके ऊपर छोड़ा, ज्यादातर अल्फा किरण क्या हो गई, पार हो गई, ज्यादातर अल्फा किरणें पार हो गई, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अगर खोखला नहीं होता तो क्या यह अल्फा कण पार हो पाती, अल्फा कण पार नहीं हो पाती। तो पहला पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या हो गया, खोखला। नियम नंबर एक, इसमें अल्फा कण का प्रयोग किया था, किस किरण का प्रयोग किया गया था, अल्फा किरण, किसका प्रयोग,
अल्फा किरण का प्रयोग किया जाता है। इससे पहला पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। क्या चीज है? खोखला है, अधिकांश भाग खोखला। इसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ किरणों को इन्होंने केंद्र के पास से गुजारने की कोशिश की, केंद्र के पास से, तो ये साइड में भाग गई। केंद्र के पास से गुजारने की कोशिश की तो क्या हो गई, साइड भाग गई। अब इन्होंने एक चीज तो समझ गया कि ससुराल इसके केंद्रों में कुछ है जो इसको बीचों सीधे गुजरने नहीं दिया है, तो कुछ किरणें क्या हो गई थी, विचलित हो गई थी। क्या हो गई थी? विचलित हो गई थी, केंद्र से भाग गई थी। केंद्र से क्या हो गई थी? भाग गई थी। अब इन्होंने एक बात बताया कि बीच में कुछ ना कुछ है जिससे ये टकरा के क्या हुई है, भागी है। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि कहे ना एकदम बीचुए में डाल देते हैं। तो जैसे इन्होंने बीच में किरण दिया तो किरण वापस चली गई। क्या हो गई? वापस चली। तो उन्होंने कहा कि बीच में कोई ना कोई पदार्थ है जिसका नाम है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। उन्होंने केंद्रक नाम दिया। क्या नाम दिया? केंद्रक। तो बीच के पदार्थ का क्या नाम दिया? केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस, जिससे टकरा के किरणें क्या हुई थी, वापस गई थी। केंद्रक से टकरा के ही किरण क्या हुई थी, वापस गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया? रडार पर। इससे खर लाइनवे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। अल्फा प्रकीर्णन की खोज रडार पर। अल्फा प्रकीर्णन में कौन सी किरण का प्रयोग? अल्फा। अल्फा किरण जो होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। अल्फा किरण पॉजिटिव चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज नहीं होती है। अब आप बताइए रदरफोर्ड को एक चीज तो समझ में आया कि जो केंद्र में गया है उससे टकरा के ये वापस आया। टकरा के वापस उसी शर्त पे आ सकता है जब केंद्र में पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर केंद्र में निगेटिव चार्ज रहता ससुराल अल्फा वहीं रह जाता। तो इससे डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली पता चल गया कि परमाणु का केंद्र पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। तो परमाणु का केंद्र पॉजिटिव, यही रीजन है जो ठीक पॉजिटिव से टकराया था वो वापस आया, जो हल्का सा साइड में गया पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को ढकेल देते हैं, तो केंद्र इसे क्या कर दिया था, ढकेल दिया था। इसी के साथ रदरफोर्ड ने खोज कर दिया था परमाणु के नाभिक का। तो बताइए परमाणु के नाभिक की खोज, नाभिक की खोज अल्फा प्रकीर्णन रदरफोर्ड। परमाणु का नाभिक ठोस होता है या खोखला? ठोस। अब परमाणु का बाहरी भाग खोखला, खोखला होता है। नाभिक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। किस प्रयोग में? अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग में। उन्होंने कहा ये नाभिक है और ये जो नाभिक है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कौन होता है? पॉजिटिव। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। इसके बाद आया गोल्डस्टीन। कौन आया? गोल्ड। कहा कि कौन सी खोज ले रहे रदरफोर्ड, देखें हम तो नहीं, तो यहाँ पे ईजा के नाभिक को खखोरने लगा, माइक्रोस्कोप से जूम किया और नाभिक को खखोरने लगा और उसमें से उसको मिल गया प्रोटॉन। कहा कि भाई कौन चीज रे, कहा कि हमरा तो ना मिला था। तो गोल्डस्टीन कहा कि अब हम वैज्ञानिक हो गए लो। गोल्डस्टीन ने क्या खोज दिया? प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने क्या खोजा? प्रोटॉन। अब रदरफोर्ड लड़ गया, ना हम खोज लियो नाभिक, प्रोटॉन हमारा। तो कहीं कहीं देखिएगा प्रोटॉन किस पे लिखता है, रदरफोर्ड, लेकिन प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्ड, नाभिक की खोज। अब रदरफोर्ड घुसिया गया, कहा कि नाभिक हम खोजे हैं तो इसके अंदर वाला प्रोटॉन भी मेरा ही होना चाहिए। तो गोल्डस्टीन कह रहा है नहीं मेरा होना चाहिए, तो हम खोज ले, जूम करके इतना खोखोरे थे नाभिक को यहाँ पे। तो दोनों लड़ गया सब, लेकिन किसको वैल्यू देंगे, गोल्डस्टीन को। तो बताइए नाभिक की खोज नाभिक रदरफोर्ड, किसने किया? रदरफोर्ड। लेकिन प्रोटॉन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन गोल्ड, ये दोनों लड़ गया सब। आया चैंडविक। कौन आया? कहा कि कौन लड़ता है यहाँ पे, तू कहता है देखो चैंडविक भाई नाभिक हम खोजे, ये कह रहा है प्रोटॉन हम खोजे। कहा क्या कोई बात नहीं, नहीं लड़ो। चैंडविक भी जूम किया और भी खखोरना चालू किया, किसको? नाभिक को। नाभिक को खखोरा, ओकरा न्यूट्रॉन मिल गया। उसको क्या मिल गया? न्यूट्रॉन मिल गया। तो बताइए न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने खोज किया? चैडविक ने किया। किसने किया? चैडविक। अब गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों एक दूसरे को देख रहा था, बताओ लड़ाई नहीं किए रहते तो खुदाई नहीं हुआ रहता। हाँ हड़प्पा की खुदाई इतिहास में, नाभिक की खुदाई केमिस्ट्री में। समझ में आ गया कि नहीं गया? बताइए नाभिक में क्या क्या मिल गया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समझ में आ गया? नाभिक की खोज
उसके अंदर प्रोटॉन, उसके अंदर न्यूट्रॉन, चैडविक ने खोज दिया। अब सब अपन माइक्रोस्कोप ले ले चल दिया, सो कि भाई वैज्ञानिक बनना बड़ा आसान है। कुमार पूरा नाभिक उजाड़ दिया सब। जेनो को देखो लेके चल दिया को माइक्रोस्कोप, कहा नाभिक रे खोज ससुराई में दुकान दुकान ची मिल रहा है, कोनो को कुछ नहीं मिला। एक आया जे जे थॉमसन, वो ससुराई का नाभिके नहीं मिल रहा था, वो खोदना चालू कर दिया बार बार, ओके मिलिए नहीं रहा था। तब यहाँ कहा कि यही कौन चीज है रे, तो पता चला तो इलेक्ट्रॉन है। कहा हमू वैज्ञानिक हो गई लो। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन किसने किया, जे जे थॉम, तो इलेक्ट्रॉन की खोज। बेचारा सब नाभिक में लड़ रहा था, ओकरा नाभिके नहीं मिल रहा था, यह बाहर खोदा और मिल गया। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। कुछ भी हो सकता है, आप नहीं समझ आया। बजे बारिया ही कर सर, बारी कोई नहीं खोज रहा था, सब उसी चक्कर में था। अब ये बताइए अगर रदरफोर्ड शांति से रहता, तनी और रिसर्च कर लेता तो क्या बिगड़ जाता, सारा उसी का होता। नाभिक की खोज, रदरफोर्ड न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड प्रोटॉन, रदरफोर्ड जे जे इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड परमाणु संरचना, रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड, कितना बड़ा वैज्ञानिक है। इसलिए अगर आपको छोटी सफलता मिले तो उतराना नहीं है, नहीं तो कोई ना कोई चैडविक आएगा, कोई ना कोई गोल्डस्टीन आएगा, आप चुपचाप रह जाइएगा और निकल जाएगा आगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत, ज्यादा नहीं उतराना होता। हम लोग का टेंशन बढ़ गया, काहे तुम्हारा टेंशन बढ़ गया, वैज्ञानिक बनना चाह रहा था क्या तुम? एक वीडियो में हम बोले थे कि हवाई, अगर किसी को गरीब बनने का शौक है तो हवाई जहाज की एयरलाइन कंपनी खोल ले। अभी देखिए गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी में चल गया, गो फर्स्ट का क्या हो गया, एयर गो फर्स्ट एयरवेज अब बंद होने की कगार पे चली गई, और सहारा एयरलाइन बंद ही हो गई, किंग फिशर बंद हो गया, जेट एयरवेज बंद हो गया। तो हम यही बताएं, तो एक नीचवा कमेंट किया, ठीक हुआ सर बता दिए, हम तो खरीदने वाले थे जहाज। ऐसा ऐसा रहता है सर जिसका कोई हद नहीं, जहाज खरीदने वाले थे आप। बताइए नाभिक की खोज, नाभिक प्रोटॉन, प्रोटॉन ये दो लड़ा था सब। गोल्ड स्टीन करा, हम इतना मेहनत से खोजे हम ना देते यहां पे, कहा कि कौन मेरा, ये कौन मेरा। बेचारा गोल्ड स्टीन कह रहा था कि ये कौन मेरा है, कह रहा था ये कौन मेरा है। रदरफोर्ड जाके हल्ला कर दिया कि इसका नाम प्रोटॉन है, इसका नाम प्रोटॉन। रदरफोर्ड कम नहीं था, कहा कि कुछ कुछ ना कुछ ना तो हम नमूने रख देते हैं, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया, हाँ गोल्ड, लेकिन नाम रख दिया। तो दूसरे का लड़का का नाम आप रख देंगे तो आपका लड़का हो जाएगा क्या वो, हाँ कोई ये ना कहेगा बबुआ नाम दिए थे यहाँ पे, नहीं समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। अब जैसे इसके लड़का का नाम ईपो चोखर रख देगा। तो क्या दिक्कत है भाई, नाम कोई कुछ भी रख सकता है, नहीं समझ में आया। तो बताइए रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीन में कितना खतरनाक ठन गया था यहाँ पे, वो तो कहा नाम रख लो उसे का मतलब बनता, खोज तो हम ही किए थे। तो बताइए नाभिक की खोज, रदर नाभिक, रदर प्रोटॉन, गोल्ड स्टीन प्रोटॉन का नामकरण, रदर न्यूट्रॉन चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जे जे थॉमसन ने कहा कि अरे हम तो खोज कर दिए। तो जे जे थॉमसन ने एक सिद्धांत दिया, वाटरमेलन थ्योरी, तरबुज्जा का सिद्धांत। कहा कि जिस तरह तरबुज्जा काटिएगा तो ललका भाग बीच में और साइड साइड में दाना रहता है ना उसका, वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है साइड साइड में होता है। ओका तरबूजा फेंक दिया सब बाहर का, देख सोचा तू नहीं केमिस्ट्री में तरबूजा लेके आता भाई, यहाँ से हो गया इलेक्ट्रॉन खोज दिए सोचा तू नहीं, तरबूजा का सिद्धांत लेके चला था। हद तब हो गया जब एग्जाम में पूछ दिया था, वाटरमेलन थ्योरी किसने दिया था बताए, जिसका तरबूजा फेंका गया उसका क्वेश्चन पूछना भी नहीं का जरूरत। किसका तरबूजा फेंक दिया सब, चचा को नाभिक नहीं मिल रहा था, भाग भर से खोज लिया बाहर में इलेक्ट्रॉन, तो तरबुज्जा का सिद्धांत लेके चला है। कैसे, जैसे तरबुज्जा में बिया चारों ओर बाहर बिखरा रहता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन चारों ओर बिखरा रहता है। समझ आ गया कि नहीं आएगा, भागो यहाँ से, सोचा तो नहीं तुम लोग का यहाँ नहीं। बोर बरी आया था, कौन आया था, नील्स बोर,
नील्स बोर ने आया था तो उसने परमाणु संरचना को अच्छे से समझाया था, हालांकि ये सब अपने आप में लड़ रहा था सब, हमार हो तो यहाँ पे अल्पा प्रकीर्णन की खोज, नाभिक की खोज, प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, अल्फा प्रकीर्णन में कौन सी किरण, अल्फा पॉजिटिव की निगेटिव, नाभिक पॉजिटिव की निगेटिव, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, नाभिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन का नामकरण रदर, वाटरमेलन थ्योरी जे तम का तरबूजा बचल है, क्या हुआ, फेंक दिया तो तरबूजा लेके जाए यहाँ पे। अब एक बात बताइए बाबू, देखिए बाबू, नाभिक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, और आपको पता है कि नाभिक होता है पॉजिटिव, और नाभिक में होता है प्रोटॉन, नाभिक में होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन होता है, और नाभिक में एक और चीज पाया जाता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अलावे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन कैसा होगा, न्यूट्रॉन निगेटिव, न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए आप बताओ बबनी, जब प्रोटॉन पॉजिटिव है तो न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए, निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव तो खत्म हो जाएगा, तब तो नाभिक गया काम से, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना इस ससुरा प्लस की ओर जाता है ना माइनस की ओर, क्योंकि अगर ये माइनस होता तो प्लस माइनस खत्म, नाभिक में कुछ होगा ही, नाभिक भड़क जाएगा, और नाभिक भड़क जाता तो ये सीधे निकल जाता है, क्या हो जाता है, पार कर जाता, नाभिक भड़कता नहीं है, अब भड़क गया तो तबाही ला देता है, परमाणु बम में नाभिक ही भड़क जाता है, क्योंकि परमाणु बम में न्यूट्रॉन को ही डिस्टर्ब कर दिया जाता है, किसे डिस्टर्ब कर दिया था, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन घुसिया जाता है, और प्रोटॉन को कहता है जीवन भर हम शांति से थे, ना पॉजिटिव थे ना निगेटिव थे, हमरा काहे डिस्टर्ब करता है, ले धाए से हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, इसलिए जो शांति से उसे शांत रहने दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं तो भड़केगा तो तबाही मचा दे, तो जो परमाणु बम बोलते हैं लोग, वो एक्चुअल कौन होता है, न्यूट्रॉन, वो परमाणु बम भड़केगा ही नहीं जिसमें न्यूट्रॉन की कमी हो, वही परमाणु बम ब्लास्ट करता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा, यूरेनियम में न्यूट्रॉन तनी लोहा पटकिए ना, और न्यूट्रॉन नहीं है उसमें, बहुत कम न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन उसको दाब देगा, कहे बैठ यहां से जाते नहीं, भड़केंगे यहां पर, इसके लिए न्यूट्रॉनों को क्या रहना पड़ेगा, ज्यादा न्यूट्रॉन कैसे भड़केंगे धाम से, तो न्यूट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएगा, कहेगा जा तू नहीं शांति से, क्या कर रहा है, तो प्रोटॉन उसको एक दूजा पड़ देगा, छुप यहां पे, कहेगा रे ससुरा तू नहीं, तुम भी बोलता है, ले धाए से मारेगा, प्रोटॉन छिड़ा जाएगा यहां पे, समझ में आ गया कि नहीं गया, तो परमाणु बम में मेन कारण क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों का ज्यादा होना, न्यूट्रॉन कम रहेगा तो प्रोटोनवा दाब देता है कि ना बकलवा कहीं का कोनो पार्टी से जुड़वे नहीं किया है तुम, समझ में आया कि नहीं, चुपचाप तुम निकल यहां से, निर्दलीय है बेचारा, प्रोटॉन कौन सा है, पॉजिटिव है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है, आई दोनों एक दूसरे में ताका झाकी करते रहते हैं सब, और जब किसी में ताका झाकी होता है तो लगातार चक्कर लगाया जाता है उसका, नहीं समझा, इसका मतलब आप लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया कि नहीं, किसका चक्कर लगा रहे हैं, प्रोटॉन का, आपको पता नहीं है प्रोटॉन के पास पहले से बैठा है न्यूट्रॉन, चचातना ही जीवन भर चक्कर मारो कुछ ना हो तो बस देख के मुस्कुरा देते हैं, बाबू चक्कर लगा दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबका प्रोटॉन के पास क्या है, न्यूट्रॉन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अगर आप चक्कर लगा रहे हैं न्यूट्रॉनवा को पता चल गया तो यही न्यूट्रॉनवा कभी आपको गांधी मैदान घेर के मार देता है, चट्टा कहीं का पहले से रजिस्ट्रेशन हो लो, लड़की लोग को समझ में आ रहा है,
बेचारा इस सब को कुछ नहीं पता है। इस सब चक्कर में मत रहिएगा। हर प्रोटॉन के पीछे क्या है? लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? शांति से रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप क्या मारते हैं? चक्कर। वही तरबुज्जा का सिद्धांत होगा आपका, फेंका जाएंगे बाहर, जाए यहां से और लेके चल देगा यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन कभी कभी इन दोनों में विस्फोट होता है, तो वही परमाणु बम। नहीं समझ आ गया? नस काट लेता है, धमनी उमनी काट लेता है, अरे चमड़वा काट ले रहता है सब। अरे तुम नस काट लियो तो फोटो कहाँ भेजते हो? मतलब काटना उद्देश्य नहीं था, फोटो भेजना उद्देश्य था। अजब, अब हमारे पास अगर कोई इंजन करे तो हम ऐसा नहीं, जरले जरले जवाब देते तो खुनवा वापस भर लेता, चल जाओ यार आदमी नहीं जला दे ये। नहीं समझा? हमारे एगो दोस्त के पास जो भेजा था ना, कोनो ओकर ओकर न्यूट्रोनो भेज दिया कोनो, वो बेचारा टेंशन में, भाई काट ले लो, हमके छोड़ यार काट ले लो यहाँ पे, अभी एम्बुलेंस हॉस्टल इतना हॉस्पिटल MBBS ये सब डिग्री किस लिए? आप लोग को इलेक्ट्रॉन नहीं बनना है। लड़की लोगों को, लड़का सबको समझा देना कि बाबू मेहनत व्यर्थ है। बोलिए बढ़िए। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज इसलिए पता चलता है, देन से देखिए यहां पे इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसे पता चला? क्योंकि ये टकरा के आया, ये हो गया, पता चल गया। इसमें कोई चार्ज नहीं होता इसलिए पता चला, क्योंकि अगर निगेटिव रहता तो प्लस माइनस खत्म हो जाते, ये होता ही नहीं, ये पार हो जाता। तो इन दोनों का चार्ज का तो पता चल गया। ये ससुरा भागता ही नहीं है, खाली गोल गोल चक्कर लगाता है, इसका गोल गोल चक्कर लगाता है। तो चक्कर एक के साथ पे लगाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। जब एगो का पता चल गया कि पॉजिटिव है, तो कन्फर्म ये चक्कर लगा रहा है उसी साथ पे कि निगेटिव है। ना तो अगर ये पॉजिटिव रहता कब का छोड़ देता, बाज यहां से जाते दूसर खोज तो हम यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही होता है कभी कभी, एकरा चक्कर मार मार के थक जाता है। जब कहता है कोई दाल नहीं गल रहा, इसको क्या पता बेचारे को, लड़का तो सीधा होता है, इसको तो कुछ पता नहीं हकीकत के बारे में बेचारा, कि इसका पहले से कौन बैठल है, न्यूट्रॉन। तो कभी कभी कोई दूसर परमाणु बगल में रहता है ना, हाँ, तो यहां से इसमें चल जाता है, यहाँ चल गई, तो यहाँ पे जय आप भाग में जो यहाँ से सतने, यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। इसी घटना को कहते हैं परमाणु रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ रिएक्शन हो गया, इधर एकदम खुश रहेंगे सब, पहल का बहुत खचरा था। समझ में आ गया कि नहीं? तो न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। समझ में आ गया? इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आवारा तत्व कहा जाता है। लक्षण मैच कर रहा है। आवारा कण किसे कहा जाता है? इसे आवारा बनाया कौन? देखिए टकला करे, नहीं सर प्रोटॉन को दोष मत दीजिए, टकला करे, नहीं सर प्रोटॉन को दोष मत दीजिए, छोटा न्यूट्रॉन हुआ था यहां। ये लगता है लात खाया है, इतना गहराई से कोई ये पक्का लात खाया है यार। आवारा कण किसे कहते हैं? लेकिन कोई उसको आवारा बना देता है तो क्या करें यहाँ पे? समझ में आ गया कि नहीं? लड़का लेकिन सीधा होता है। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की लोग को समझ में आ गया? बेचारी सब कभी नहीं समझ में आया। चलिए आगे का क्लास मंडे को समझा देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं लाइव में सब लोग को? रिएक्शन विएक्शन ऐसे रिएक्शन में करना कौन चाहिए? आप लोग खुद हर 2 महीना पे रिएक्शन करते रहते हैं आप लोग।